इन दिनों टीम इंडिया में एक खिलाड़ी के सिलेक्शन नहीं होने को लेकर काफी चर्चा हो रही है। उस खिलाड़ी ने घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन भी किया है। रणजी ट्रॉफी से लेकर सैयद मुश्ताक अली तक हर टूर्नामेंट में उस खिलाड़ी ने खुद को साबित किया है, लेकिन फिर भी सेलेक्टर्स का दिल नहीं जीत पा रहे हैं वो। कुछ लोग उस खिलाड़ी का नाम शायद समझ गए होंगे, वहीं कुछ लोग कंफ्यूज हो भी हो सकते हैं। तो यह भी साफ कर देते हैं कि उस खिलाड़ी को अभी तक टीम इंडिया में एक बार भी नहीं चुना गया है, अभी भी उस खिलाड़ी को चयन का इंतजार है। दरअसल हम बात कर रहे हैं सरफराज खान की। इस खिलाड़ी ने हर टूर्नामेंट में खुद को आगे आकर साबित किया है। उनके आंकड़े भी इस बात की गवाही देते हैं। पिछली 8 पारियों में वह 3 शतक और 1 अर्धशतक लगा चुके हैं। वहीं 2 बार वह 28 और 15 रन बनाकर नाबाद रहे। उनके नाम 54 फर्स्ट क्लास पारियों में 3,505 रन है, जिसमें 13 शतक और 9 अर्धशतक शामिल है। 303 रन नाबाद उनका बेस्ट स्कोर है। यही कारण है कि लगातार उनके सिलेक्शन को लेकर मांग उठती रहती है। अब उनके चयन के विवाद के बीच सचिन तेंदुलकर और उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर का भी नाम आ गया है। हाल ही में सरफराज खान के पिता नौशाद खान ने इंडियन एक्सप्रेस से खास बातचीत में बताया, इस दौरान उन्होंने एक कहानी शेयर की थी और बताया था कि सरफराज कुछ साल पहले तक कैसे सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को देखकर क्या सोचते थे। उन्होंने बताया कि सरफराज कहते थे, अब्बू अर्जुन कितना नसीब वाला है ना, वो सचिन सर का बेटा है, उसके पास कार, आईपैड सब कुछ है। यह सुनकर उनके पिता नौशाद चुप रह गए। पिता नौशाद ने आगे बताया कि हालांकि उसके बाद उन्हें सरफराज का दौड़कर आना, उन्हें गले लगाना भी याद है। जब उसने कहा कि मैं उससे ज्यादा भाग्यशाली हूँ, मेरे पिता अपने पूरे दिन मेरे साथ मेहनत करके बिता सकते हैं, लेकिन उसके पिता उसे अपना टाइम नहीं दे पाते। दोस्तों, सरफराज खान लगातार घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम की घोषणा होने के बाद उन्हें टीम में चयन की उम्मीद थी, पर सिलेक्शन नहीं होने पर वह काफी निराश दिखे थे। उन्होंने कहा था कि निराशा में मैं पूरी रात सो नहीं पाया था, इंसान हूँ मैं भी कोई मशीन नहीं हूँ। फिर मैंने सोचा कि मेहनत करते रहेंगे और आगे इसी तरह रन बनाते रहेंगे। सरफराज का चयन नहीं होने के बाद सोशल मीडिया पर भी भारतीय सेलेक्टर्स की काफी आलोचना देखने को मिली थी। दोस्तों, आप लोगों का क्या है कहना कि सरफराज खान को टीम में जगह मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अगर मिलनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि सरफराज खान की बात दुनिया तक पहुंच सके। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी।